उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। आज नामांकन दाखिल होने के बाद नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था, जिसके बाद अब ये साफ हो गया है कि यहाँ से किस किस पार्टी का कौन प्रत्याशी दावेदार होगा। आज के नामांकन वापस लेने के बाद अब ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी को अपनी अलायंस कांग्रेस के साथ भी एक बड़ी चुनौती मिल सकती है। इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं गंगापार के, उनका अपनी ही पार्टी से बगावत करके चुनाव में खड़ा हो जाना। सुरेश चंद्र यादव जो कि कांग्रेस के गंगापार के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बगावत करते हुए कांग्रेस के अनुशासन के बाद भी, कांग्रेस के कहने के बाद भी यहां से पर्चा दाखिल किया है। सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि सुरेश चंद्र यादव आखिर किस स्टैंड पर और किस आधार पर अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और क्यों वो वापस अपना पर्चा लेना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुरेश चंद्र यादव आखिर क्यों बगावत पर अड़े हुए हैं, जबकि सुरेश चंद्र यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल भी दिया है, इसके अलावा उनका अध्यक्ष पद भी चला गया है। क्या फैसला किया आपने? फैसला तो मैं पहले दिन से ही कर दिया था, लड़ाई आर पार होगी। हमारी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश पांडे ने जिस तरीके से पार्टी को पूरी तरह जाके सरेंडर कर दिया, गिरवी कर दिया, तो फूलपुर के कार्यकर्ता और कांग्रेस के ये कार्यकर्ता जिला कमेटी से लेकर ब्लॉक कमेटी से लेकर मंडल कमेटी से लेकर न्याय पंचायत से लेकर बूथ स्तर से लेकर और वहाँ के जनमानस मजदूर किसान किसान अल्पसंख्यक बुनकर अनुसूचित जात सभी समाज के लोग आज एकजुट हमारे साथ खड़े हुए हैं। फूलपुर का लाल की कमाल करेगा ये सवाल को लेकर तो वहाँ बड़ी चर्चा है। शीर्ष नेतृत्व से हमारी कोई शिकायत नहीं, इन्होंने शीर्ष नेतृत्व को गुमराह किया, सही जानकारी नहीं दिया। जब 23 तारीख को इंडिया अलायंस के तहत 6 बजे घोषणा होती है, अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं बात, तो आप लोग जाओ फूलपुर में, सुरेश यादव वहाँ चुनाव लड़ेंगे। इन लोगों आनंद फानंद में 8:30 बजे जाकर पूरी पार्टी को सिलेंडर कर देते हैं। वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी आश्चर्यचकित कर रहे थे, कहा 3 सीट पर लगता संतोष नहीं हो रहा है, 1 सीट और देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 1 सीट मीरापुर भी दे दो, 4 सीट पर लड़े कांग्रेस पार्टी, 5 सीट पे हम लोग लड़ेंगे। मसला लग रहा है क्या? पूरी तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग हैं और यहाँ पे तमाम स्थानीय नेता से लेकर तमाम जो यहाँ पे नेता उस समय मिले हुए मिली भगत से ऐसा निर्णय कराए। अब आप मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? पूरी तरह से मजबूती से, हमारे साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनमानस मेहनत कर सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। कांग्रेस के लोग भी आपके साथ में? सारे लोग वहाँ, कोई ऐसा है जो हमारे साथ ना हो। लेकिन कांग्रेस ने तो आपने पार्टी से भी निकाल दिया है, तो हमको ऐसा कोई गम नहीं, इसको परवाह, कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस एक कार्यकर्ता, सच के साथ हम लोग खड़े हुए, सच्चाई कांग्रेस कार्यकर्ता जान रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस से बगावत करके फूलपुर में नामांकन दाखिल कर चुके सुरेश चंद्र यादव का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।